दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भाई लखी शाह बनजादा जी का 444वां जन्म दिहाड़ा मनाया है। ये 444वां जन्म दिहाड़ा कन्फर्मेशन नहीं हो सकती भी ये वाकई 444 साल में आ गया, पर जिस तरीके दे नाल सिखी दी रहत मर्यादा नूं इन्हां ने ढा मारी है कि इन्हां ने पैरां दे विच रोलिया हैगा सिखी मर्यादा नूं, गलत वो करना ही है। भाई लखी शाह बनजारा गुरु घर के अनन सेवक सन, इन्हां दा पिछोकड़ परिवार गुरु नानक साहब के दर दे नाल जुड़िया होया परिवार है। भाई लखी शाह बनजारा दे परिवार दे 50 बंदिया ने शहादतां दित्तियां गुरु घर दे गुरसिखां लई। इन्हां दे विच भाई मनी सिंह जी शहीद भी है गए जिन्हां ने बंद बंद कटवाए ने, वो भाई लखी शाह बनजारा दे दामाद भी सन। इन्हां दे 7 लड़के सन, एक मर गया सी कुदरती मौत, ते 6 लड़कियां ने शहादत दित्ती सी, 6 लड़कियां ने शहादत दित्ती सी। मेरा यह कहना हैगा भी गुरु घर के अनन सेवक का यह तरीका हैगा जन्मदिन मनाने का। जो हाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तीन दिन इन्होंने किया है, ये अत की शर्मनाक घटना है कि अत की जितने बंदे उत्थे आए न सब दी जेबां दे विच बीड़ियां सिगरटां तंबाकू जरदा और उत्थे खुले नहा रहे न, कपड़े उतार रहे न, गुरु की संगत जिहड़ी आ रही है वो अपने आप नूं शर्मसार महसूस कर रही है। कहिंदा जी ये गुरुद्वारे च की हो गया है, एक गुरुद्वारे दी इन्हां ने शक्ल की बिगाड़ के रख दित्ती है। देखो बनजारे सिख भी हैगे, बनजारे हिंदू भी हैगे, ये नहीं है भी जितने भी बनजारे है सारे सिख है। जेडे बनजारे आए न, मैं तो कल तो कोल पूछा भी तुसी क्यों आए हो, कहिंदे सानूं तां पता नहीं दिल्ली देखण आया। इस करके ये जिहड़ियां जातां होंदियां न इन्हां जातां दे नाल एक गल नहीं हैगा भी धर्म दे भी नाल जुड़े होंदे न। भाई लखी शाह जड़ा सी ए सिख सी, इहदा परिवार सिख सी, ए सिखी दे नाल जुड़े हुए सन, पर जिहड़े बंदे इन्होंने नाल लै के आए न वो सिख नहीं सन। जिहड़े गुरु घर की बेदबी करन, गुरु घर दीआं मर्यादावां नूं ढा लाण, वो सिख नहीं हो सकदे, कतई भी सिख नहीं हो सकदे। और जो ये काम कराण गुरुद्वारियां नूं ढा लगाण, उह सब तो वड्डे पापी ते दुष्ट आदमी है गए, उन्हां तो वड्डा दुष्ट कोई सिखा दे विच जमणा कोई नहीं। तुहानूं अज 444 साल पहले भी कोई याद आई है बेके कदन जन्मदिन मनाना है, तुसीं अपने गुरु घर तां संभाल नहीं सक रहे, जेड़े सिख हैगे उन्हां नूं ते संभाल नहीं रहे। ते मैं अफसोस होया दिल्ली कमेटी दा अहुदेदार हुणे सोशल मीडिया ते कह रहा है वी असीं 13 करोड़ जोड़ांगे। मैं कहा इन्हां ने यही गणित जिहड़ा राम रहीम वक्त लाया सी वी असीं 10 लाख के 20 लाख जोड़ांगे, 1 करोड़ असीं जुड़ जावांगे, यही गणित लगाया सी, पर वो गणित होया नहीं, सफाई हो गई। जिन्हां तू कह रहा 13 करोड़ तेरा प्यो बनाएगा सिख, उन्होंने तू आप तो है नहीं,
जिहड़ा बयान दे रहा वो आप तो है नहीं पूरा थूरा, पर गल है कि भाई अज दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी दे जो ये बाड़ा साया पै, असी अपनी जिम्मेवारी भी समझ रहे हैं। और मंगलवार को 3 बजे समुचिया पार्टियां जिन्हां दे विच श्रोमणी अकाली दल दिल्ली भी है, जागो पार्टी भी है और श्रोमणी अकाली दल भी हैगा अपना बादल दे, वो मैंबर भी साढ़े नाल जाण गए और असी इन्हां नूं इह सवाल तलब करांगे भी तुसीं इतनी गुरद्वारे की बेहुरमती किवें कीती, किसकी इजाजत नाल कीती, क्यों कीती, तुहानूं किहड़ी ऐसी चीज़ की तलब पई सी भी तुहानूं इह करन ते मजबूरी पै गई, किस से कहण ते तुसीं कीती, किहड़े बंदे ने जिहड़े तुहानूं कह रहे ने। मैं सरकार नूं अपील करना चाहुंदा, मूर्ख दोस्त नालों दुश्मन जंगा, ये जे धूरत और मूर्ख आदमी जे तुसी इन्हां दीआं सलाहां ते चलोगे सिख नाल की जुड़नगे, सिखां दे हिरदे छलनी छलनी हो जाणगे, और छलनी छलनी हो चुके हैं। सिख कदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता भी उन्हां दे गुरद्वारिआं दे विच तंबाकू नोशी होवे और बीड़ियां सिगरटां पीण वाले कुरले करन, ये सिख कदे बर्दाश्त नहीं करता। मैं सरकार नूं कहनी चाहवांगा ये जे धूरतां नूं इतनी दूर खड़ा करो भी इन्हां दी आवाज़ भी तुहाडे कन्नां विच ना पवे, ज्यों ज्यों इन्हां दीआं सलाहां तुसीं मन्नोगे सिख तुहाडे तों दूर हो जाणगे। सिख दी रमज पछाणो, सिख दी नबज़ दे उपर हथ रखो, सिख अपने धर्म की बेदबी कदी भी नहीं सहेगा, जो मर्जी हो जाए अपने धर्म की बेदबी सिख कदी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई लखे शाह मक्कण शाह दे नाल तो लुबाणा लगता सी, ये लुबाणा बरादरी नूं बिलोंग करदे ने, लुबाणे बड़े वड्डी गिणती दे विच सिख ने। बनजारा इस वास्ते कहा सी कि किरत करन वाले नूं व्यापार करन वाले नूं वणज दा नां दिता गया सी, और उस दे विच गुरबाणी दे विच भी इह तुक्का है गया, वण करो बनजारिओ। इन्हां ने एक व्यापारी नूं जिहदा लफ़ज़ कोई बनजारा कहिंदे सी वणजारा कहिंदे सन, इन्हां ने उसनूं उन्हां नाल जोड़ता जिहड़े वणजारे सौद विच बैठे हुए। सानूं कोई इतराज़ नहीं है, सानूं इतराज़ यह हैगा कि इस महान गुरसिख ने जिसके पुत्र दोतरे सब शहीद होए, उसका जन्मदिन पहली गल तो हैगी तुसी 444 साल किवें काढ लिया, जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब के शरीर नूं अपना घर नूं अग ला के संस्कार कर रहा है, तो यह घटना कोई 352 साल पहले वापरी है, इहदा मतलब उस को तो 96 साल का सी। अगली गल मैं करना चाहता हाँ, बई सिखां दे गुरु साहबान दे गुरसिखां दे जब भी इह जिहे जन्मदिन मनाए जाते हैं तो उत्थे कीर्तन कथा हुंदी हैगी। इह इतिहास दे विच पहली वार है कि दिल्ली विचों 200 सिख इन्हां नाल ने टुरिया, कि इन्हां ने भाई लखी शाह बनजारे वर्गे सिख का जन्म दिहाड़ा नाच गाने ते टपोरियां गा गा के मनाया गया। जिहड़ी सब तो वड्डी जिहड़ी मर्यादा भंग कीती और उस लखी शाह वणजारे दी जो उसका नाम की है इन्हां ने बेइज्जती कीती है इसके गुजरन के बाद, बिल्कुल इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी गुरु घर चों, बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी। जिन्हां ने यह धरोह कमाया है भावें वह सरसा तो भावें वह कालका, इन्होंने अपनी कुल नाश करन दा बीज रख लिया।
होना कदे नहीं मैं कह सकता, प्रडिक्ट नहीं कर सकता, पर यह मैं जरूर कह देना चाहता कि जिस तरह माफ़ी मंगन ये मैं नहीं पता, पर अपने कुल का नाश करन दा बीज रखता इन्होंने। आखिरी गल मैं कहना चाहता, एक कुकर्म करन तो बाद इन्हों का कोई हक नहीं रह गया कि दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी संस्थावां दे उत्ते ये प्रधानगी जां सकत्तरी करन। दे शुड क्विट आल, जिहड़े जिहड़े मैंबर उत्थे गए उन्हां समेत एक क्विट कर देण, ये मैंबरी दे सकत्तरी दे प्रधानगी दे काबल नहीं हैगे। तुसी अगर अपने अकावां नूं खुश करना है होर बतेरे तरीके ने, पर सिख मर्यादा ते परंपरावां दा, उन्हां महान गुरसिखां दा इस तरह जन्मदिन मना के और गुरुद्वारों च तंबाकू नोशी करवा के सिख कौम कदी तुहानू माफ नहीं करेगी। अज तो तुहाडा नाम लिखा जाएगा। और गल होर सुन लवो, मसा रंगण बनने की कोशिश ना करना, तुसी मसा रंगण बन रहे हो और मसा रंगण बनोगे फिर मसा रंगण वाले तुहाडे हाल भी होणगे, ये मैं चेतावनी दे रहा तुहानू। मिलेगा उस भूत सवारी दे विच जो कुछ कही जा रहे ने, ये करी जा रहे ने, और ये सारी माड़ी सलाह जिहड़ी हैगी ये भारत मंत्रालय दी नहीं हैगी, इन्हां दी हैगीआं वी सानूं अगलियां कुर्सियां मिल जाणगीआं। भारत दे मंत्रालय ने एक प्रोग्राम कीता, इन्हां दा फर्क बनदा सी गुरद्वारा कमेटी विच बैठे होया भाई अगर भाई लक्की साहब अंजारे दा तुसीं प्रोग्राम करना तो सिखां दी मर्यादा ते परंपरा अनुसार मनाओ, इधर सरकार का नहीं है, इन्हों का कसूर है। इन्होंने इतनी मदनी कह देकर भाई परंपरा अनुसार ना है। दो तरीके होंगे ने, एक तो कोई सरकार कोई एवजा धार्मिक प्रोग्राम किसी भी धर्म के जुड़िया जो करवाना चाहती है तो उस संस्था के सहयोग की गल करती है, तो जो कोई एवजी धार्मिक संस्था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गी जो किसी कोई सहयोग देती है और वे वे अखबारों के इश्तहार भी देती है तो मैं समझदा कि उस धार्मिक संस्था की मोरल ड्यूटी बन जाती है कि उस सरकार दे नाल गलबात करके उन्होंने अपनिया मर्यादावां बारे समझाना और ये प्रोग्राम किस तरह होणगे और किस तरह एक सिक्खी दे विच या उस धर्म दे विच एक अच्छा मैसेज किस तरह जाएगा, इस बारे सारी जिहड़ी गाइडेंस है जिम्मेवारी बनती है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख अहुदेदारां दी। दूजा तरीका या फिर यह होंदा कि सिरसे वर्गा एक टोटल राजनीतिक आदमी जिन्हें हमेशा धर्म को यूज़ किया है, गुरु की गोलक यूज़ किया अपने आप को चमकाने वास्ते, वो किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री को किसी भी डिपार्टमेंट को सांस्कृतिक मंत्रालय हो कोई भी होते मिनिस्टर समझाता है कि जी ऐसे एक प्रोग्राम कर लेते हैं, इस इशू को ले लेते हैं, इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, सीनियर लीडरशिप में चला जाएगा, उन्होंने भी सब जवाब दिखाता है। तो दिल्ली गुरुद्वारा पूरी की पूरी कमेटी उत्थे यूज़ करके दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जिते भोग पाता उत्थे सिक्खी का भी भोग पाता जो वड्डी गल करता है। ये दो तरीके ने, ये जो मैनू नज़र आ रहा वो सीधा सीधा यही नज़र आ रहा है कि सिरसे ने तो धार किया हो कि उन्हें हमेशा ही दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को अपनी सियासत में चमकाने वास्ते हमेशा यूज़ करना और कर भी रहा। जरूरत तो इस गल की है कि हुण हरमीत सिंह कालका ने इस गल का फैसला करना है कि एज ए प्रधान और एज ए जनरल सैकटरी हरमीत अपना कालू और एज ए धर्म प्रचार चेयरमैन जसमीत सिंह करमसर, इन्हों की जिम्मेवारी बनती है। सिरसा तो उन्होंने लगातार यूज़ करेगा ही करेगा क्योंकि वह सरकारों में है, उन्हें सरकारों ने भी अलग अलग तरह के सब्ज बाग दिखा के और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने अलग तरह के सब्ज बाग दिखा के इस तरह गुरुद्वारा कमेटी ने हमेशा यूज करना है। फैसला हरमीत सिंह कालका ने करना है कि दिल्ली की संगत और गुरु घर की मर्यादावान किन्ना उन्हें रोलना है और किन्ना बचाना है और किन्नी देर उन्हें मुंडू बनना है और किन्नी देर अपने फर्ज न पहचानना है। सवाल ऐसी पंजाब यहोदा धर्म प्रचार होगा, मेरा मतलब सिर्फ मैं हमने पहला ही कहा कि हरमीत सिंह कालका ने जदों सहयोग देने का आर्टिकल छापिया इश्तहार अखबार छापिया तो वो मोरल ड्यूटी बनती सी
कि सरकारां नाल गलबात करके सिरसे दा मुंडू ना बनदा, सरकारां नाल गल करदा कि अगर गुरुद्वारा कमेटी दा सहयोग चाहिदा है ते असीं अपनी संगत नूं की प्रेरणा देनी है, सिख धर्म विच की मैसेज देना है, असीं अपने गुरपुरब शहीदी दिहाड़ा किस तरह मनाने आ, उस तरह उन्होंने समझाना चाहिए सी कि उत्थे कीर्तन दरबार होंदे, गुरु महाराज का प्रकाश होंदा, इस तरह के नाच गाने नहीं होंदे, सरकारां दे नगरां दे पता ही नहीं होंदी। मैं इन्ना की कहना मेरा, देखो मैं तुहाडे माध्यम राहीं गल पुछनी चाहुंदा, किसे होर होर भी तो धर्म है, किसे होर दा धार्मिक आगू सरकार दे किसे मिनिस्ट्री को जांदा है जी साडा को दिन मनाओ, ईसाई मुसलमान बोधी जैनी सिर्फ इन्होंने ठेका लिया होया है, कोई गया साढ़े जिम्मे लगे है, सानू लगे भी असी कुछ काम करना है, सानू परसों रेलवे मिनिस्टर ने इलाके बुलाया, उन्होंने एक प्रोग्राम दिता सी भी यह प्रोग्राम है, उन्होंने पूछा भी असी जिहड़ियां होर रेलां चला रहे हाँ उत्थे असी मंदिर बनाए हुए कि इत्थे असी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश सानू करना चाहिए है। मैं कहा जी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश रेल गड्डी च नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेल गड्डी धक्के खाती है तो उत्थे गुरु महाराज का ही बेअदबी होने का खतरा है। असी उन्होंने दस्या है भी ये प्रोग्राम तुहाडा बहुत वधिया लिखिया होया है पर इस दो हिस्सों कर दौ, ये थोड़ी उन्होंने कहा तो उन्होंने खुशनुदी हासिल नहीं तो जो उन्हें कह सी वो हाँ कर दी है। ए नाल सन साढ़े गोपा और अपना सर मनजीत सिंह, उन्हें कहा जी ठीक है तुम्हारी प्रपोजल अच्छी हैं असी फाइनलाइज नहीं किया, प्रपोजल असी पूरी तरह अहमियत दे के और करा, ये बंद का फर्ज होंगे उन्होंने समझा, ना कि अगले ने व्डा वेख के कहते अच्छा जो तुम करो ठीक है, पर इन्हों के पल सिखी नहीं हैगी, बिल्कुल नहीं हैगी सिखी। चलो इन्होंने मीट प्रधान की एक वीडियो आई थोड़ी देर पहला, क्या गया 12 करोड़ या 15 करोड़ है बंजारा समाज के सिखा जुड़ रहे हैं, इन्नी वीड्डी पॉपुलेशन हैगी है, तो उन्होंने पंजाबी मर्यादा, उन्होंने पंजाबी वर्ड मर्यादा लफ्ज़ वरत्या, पंजाबी मर्यादा नहीं पता उन्होंने, मतलब उन्हें क्या कंट्रोवर्सी जी हुई है वह सारा कुछ स्पष्टीकरण से। अमनदीप जी तुम्हारी गल का मैं जवाब देना चाहता हाँ, बच्चे स्कूल पाने तो पहला उन्होंने तहजीब तमीज़ सब पढ़ाई तो पहले सिखाई जाती है, तुसी तहजीब तमीज़ सिखाई है, जड़े आए उत्ते सारे सिगरटा पा के जेब में आ गए, तुसी मना कीता ये तुहाड़ा फर्ज नहीं बनता भाई, जे गुरु घर दे विच आओगे तो तुसी जेब दे विच बीड़ियां सिगरटा ते तंबाकू नहीं पा के आ सकते, यू कैन नॉट कम, बाद ही दोष प्रति दोष की कड़ी गल है, तुहाड़े तो वड्डा दुष्ट आदमी कोई नहीं जिहड़ा कि तुसी 13 करोड़ का मतलब है भाई जे अज 13 करोड़ जुड़नगे असी अपनी रहत मर्यादावान का भोग पा दिया पा देंगे, सिक्खी खत्म कर देंगे, गुरुद्वारे खत्म कर देंगे भाई 13 करोड़ आ रहे हैं, इतना पूजा करो, मुल्तन मुल्तन ये लोग वोटा पिछे पे हुए भुखे मरते पे भी किसी तरीके कुछ बन जाए कोई मिल जाए सानू साडा रोटी पानी चले, काम काज इन्हों के है नहीं अपने, ये सिर्फ गुरुद्वारे दारा गुरुद्वारे का तन दौलत कार है और गुरुद्वारे का धान खाने वाले की बुद्धि जी भ्रष्ट हो जाती है, ये पक्की गल है। असि मंगलवार को 3 बजे नाल सारिया पार्टियां जगियां उन्होंने मैंबर असी इन्हों मिल रहे हैं और इन्हों जवाब तलवीज कर रहे हैं भी दसो भी ये पिछे कौन है, किवें तुसीं ये प्रोग्राम बनाया, किवें तुसीं हिम्मत की, असी अज तो बाद ये चीज़ कभी भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दोबारा होने नहीं देंगे भावें कुछ हो जाए। अकाल तख्त साहब तो कोई उम्मीद है तो इस मैटर पे कोई एक्शन होएगा? अकाल तख्त साहब तो ये हाले असी मंगलवार फैसला करेंगे सारे बैठ के भी अकाल तख्त जाना चिट्ठी लिखनी की है अब बीच में आने लगा है केंद्र सरकार के साथ मिलके ये लोग कर रहे हैं, आप लोग डेलीगेट्स लेके जा रहे हैं दिल्ली कमेटी के पास, आपकी कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि सरकार इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो हम आप तक क्यों नहीं बात पहुंचा रहे हैं कि भैया आप ये तो पहुंचाएंगे नहीं, आप ये समझ भी रहे हैं आप उसमें चाहे उनकी राजनीतिक लाभ हो या जो भी हो इच्छाएं हो,
आप क्यों नहीं सरकार तक अपनी बात पहुंचाते कि हमारी राहत मर्यादा ये है और हमें इस तरह के कार्यक्रम करने से पहले हमसे भी अप्रोच किया जाए। मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ, आपकी राय का धन्यवाद बहुत बहुत। हम उनको भी जो भी ये मिनिस्ट्री के हैं बंदे जिन्होंने ये प्रोग्राम में इनके साथ समीयत दी है, और आगे हम उनको कहेंगे भाई जो सिख मर्यादा से जानकार हों उनसे पूछ के प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये सरकार का काम मुल्क चलाना है, सरकार का काम गुरुद्वारा चलाना या गुरुद्वारे की कमेटी चलाना सरकार का काम नहीं है। ऐसा सवाल तो एक सवाल निकलिया तुहानू की लगता किसी थान पर अजे मसले होंगे ने पुलिस वीडियोग्राफी करके गुरु ग्रंथ साहब संतोख के पूरी मर्यादा संतोख दी है जितने कभी यह केस होंगे कोई दूजे मामले होंगे विवाद वाले तो तुम्हें लगता भारत सरकार जी एजेंसियां पल पल की खबर रख दें रुकावट भी रख दें प्रोग्राम से भी तालपटरा भी रही तो भारत सरकार की इन्नी अनजाण है कि भी उन्होंने सिख मर्यादा का नहीं पता है। बिल्कुल नहीं अनजाण, बिल्कुल नहीं अनजाण। सिखा ने भगवे करने के बाद भगवे करने वाले वादा देना है। देखो मेरी गल सुनो, हर को बंदा हर किसी नूं डेसीमेट करन दे लगा है, तुसी अपना आप सोचो। मैं बिल्कुल इनडायरेक्टली नहीं कह रहा, बीजेपी नहीं कर रही, यह जो मरदूद कर रहे अपने कौम नूं आप खत्म करने वास्ते, कोई कोई किसी नूं कुछ नहीं कहता, तुसी अपना कर कर संभालो। बीजेपी तो अगे राज रहा किन्ने कराए नूं, किसने कराए ने, तुसी अपना कर संभालो ना, रात नूं कुंडियां खोल के सो जाओगे ते चोर ते आपे आणगे। अजे ते अशोक चक्कर भी होर नरम सी हुण गरम हो गया ना, हांजी अगे अशोक चक्कर गरम सी हुण नरम सी हुण गरम हो गया ना। चलो ठीक है, अगे बीजेपी दा राज रहा। थैंक यू जी।